अभी बुआ औरों की जाने की तैयारी हो गई है। जो इच्छा जान तो खान वा मेज पर रहवा ना अभी के वन था दोस्तों। तो अभी हैं हम एक केदार घाटी के खूबसूरत से गांव मैखंडा में और अभी हम छत पे आ रखे हैं और अच्छी सी धूप खिली हुई है। हमारा खाना पीना भी हो गया है, सारे मेहमान लोग कुछ जा चुके हैं, कुछ नीचे बैठे हुए हैं। पेट इतना भारी हो गया ना। अब पहले टेस्टी टेस्टी नाश्ते का आनंद लेते हैं दोस्तों। तो ये है माँ धारी देवी का मंदिर और यह है अभी सुबह का सुंदर सा नज़ारा, देख सकते हैं आप। और हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं सुमन स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल सुमन सोनी ब्लॉग पे। आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। गाड़ी स्टार्ट हो रही है दोस्तों। तो मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है अभी मॉर्निंग के 5 बजे से और आज हमारी हो रही है कहीं जाने की तैयारी। और आज हम काफ़ी लंबे सफ़र पे जा रहे हैं और जो कि देहरादून से रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के केदार घाटी का होने वाला है। और हम जा रहे हैं आज मायके की और तो देखते हैं आज का सफ़र कैसे कैसे रहता है। तो आप ब्लॉग में बने रहिएगा, हमें किसी ज़रूरी काम से जाना पड़ रहा है तो ज़्यादा दिन के लिए तो नहीं जा रही हूँ, आज जाऊँगी कल आऊँगी, लेकिन ये है कि आज का जो भी सफ़र रहेगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो आप ब्लॉग में बने रहिएगा। तो चलते हैं फिर, क्योंकि हमने सोचा था हम 4 बजे निकल जाएंगे, लेकिन यही होता है ना कि कहीं भी जाओ टाइम तो लग ही जाता है। तो 5 बज गए हैं, हम 5 बजे निकल रहे हैं यहाँ से, देखते हैं किस टाइम पहुँचते हैं। तो चलते हैं फिर दोस्तों। अभी पहुंच गए हैं ऋषिकेश में और अभी भी अंधेरा ही है और 6 बज गए हैं, 1 घंटा लग गया है हमें ऋषिकेश आने में। और भला अभी बाहर ना ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, ठंडा काफ़ी हो रहा है और अभी अंधेरा ही है, भला उजाला नहीं हुआ है। ऋषिकेश हम पहुंच गए हैं, देखते हैं आज हम बिना बच्चों के जा रहे हैं, बच्चे हमने घर पर ही छोड़े हैं अपने दादा दादी के साथ में। थोड़ा बेकार भी लग रहा है, लेकिन जो ये मौसम है ना इसको देख के अच्छा भी लग रहा है कि बच्चे कम से कम घर पर हैं तो सही है, स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि अगर हम उनको ले आते तो रास्ते में ठंडा भी बहुत हो रहा है और मौसम का कोई भरोसा नहीं है, क्या पता वहाँ पे जाके बारिश हो जाए। तो उस वजह से देखते हैं आगे क्या क्या हो पाता है। तो आपको दिखाती हूँ मैं थोड़ा सा ऋषिकेश का नज़ारा। दोस्तों तो अभी मॉर्निंग के 7:15 हो रहे हैं और अभी हम पहुंच गए हैं तीनधारा में। और अभी ना तीनधारा में बिल्कुल सुनसान हो रखा है क्योंकि सुबह का टाइम है और अभी तो लोग उठ ही रहे हैं। तो ये है तीनधारा का मौसम और इससे पीछे ना बहुत भयंकर वाला कोहरा लगा हुआ था, देख सकते हैं आप, धुंध लगी हुई है ख़तरनाक और इसी वजह से ज़्यादा ठंड भी होती है। तो सही टाइम पर हम तीनधारा पहुँच गए हैं। अभी हम तीनधारा से आगे थोड़ा किसी दुकान पे रुके हुए हैं, मुझे थोड़ा सा ना सर घूम रहा है और मैंने कहा थोड़ा कुछ नमकीन वगैरह ले लो, थोड़ा नमक खाऊंगी क्योंकि मुझे बार बार मेरा बीपी लो हो जाता है, तो मैंने कहा थोड़ा नमकीन चीज़ खा लूँगी तो थोड़ा सही लगेगा। तो लाडो के पापा गए हैं अभी मेरे लिए नमकीन लाने के लिए,
तो अभी हम तीननारा से थोड़ा सा आगे हैं, देखते हैं कुछ मिलेगा। वैसे यहीं पे दुकान खुली थी, बाकी और जगह तो दुकानें बंद हैं अभी। तो आना बच्चों के बिना थोड़ा बेकार भी लग रहा है, पर कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने कहा आ जाना है, कल आना है, फिर बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाएगी, उस वजह से नहीं लेके आई मैं। तो देखते हैं क्या क्या हो पाता है। तो आज मुझे ना एक तरफ से खुशी भी हो रही है, क्योंकि मैं बहुत टाइम के बाद जा रही हूँ मायके की तरफ, और मायका तो ऐसे होता है ना कि हमेशा प्यारा ही लगता है। तो लाडो के पापा ले आए हैं मेरे लिए नमकीन। क्या लाए हो, हाई नहीं करोगे? तो मिले आ गई है ये आलू भुजिया और ये एक क्रैक जैक बिस्किट। तो इसको खाती हूँ, थोड़ा सा थोड़ा अच्छा फील होगा दोस्तों। तो अभी हम पहुँच गए हैं देवप्रयाग में, और अब थोड़ा लग रहा है कि सुबह हो गई है, 7:30 हो गए हैं, और 7:30 बजे हम पहुँच गए हैं देवप्रयाग में। गाड़ी बहुत हिल रही है क्योंकि आज हम दोनों के दोनों हैं ना, तो फोन ज़्यादा हिल रहा है। अब दिखाती हूँ मैं आपको थोड़ा सा देवप्रयाग के नज़ारे। वैसे संगम के दर्शन तो नहीं करा सकती आपको, क्योंकि हम थोड़ा आगे निकल गए हैं। ऋषिकेश हरिद्वार वाली इंद्री भी है यहाँ पे, और ये है देवप्रयाग मार्केट, छोटा सा मार्केट। ये वैसे मेरे ससुराल का मार्केट भी है, जहाँ मतलब हमारा पैतृक गांव है ना। ये कहाँ से आ रही है, जय काशी विश्वनाथ, हरिद्वार जा रही है। ये आ रही है भागीरथी नदी नीचे। प्रयाग दे प्रयाग है सबसे बड़ा प्रयाग, देवप्रयाग से भी हम थोड़ा सा आगे निकल गए हैं। और हमें ना कभी भी देवप्रयाग में ऐसे घूमने का टाइम नहीं मिला, लेकिन कभी देखेंगे टाइम मिलेगा तो जरूर जाएंगे संगम पे, और आपको भी दिखाएंगे। तो ये सामने रहा संस्कृत विश्वविद्यालय, हाँ संस्कृत यूनिवर्सिटी है यहाँ पे। और जैसे देवप्रयाग में आपको पता ही है अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल है, जो ना बहुत प्यारा सा व्यू आता है यहाँ से। लेकिन अभी हमें थोड़ा लेट हो रहा है, तो उस वजह से हम यहाँ रुकेंगे नहीं, फिर देखेंगे आते टाइम मिलेगा तो। दोस्तों तो अभी हम श्रीनगर में पहुंच गए हैं, और लाडू के पापा भी थोड़ा बाहर जा रखे हैं, क्योंकि यहाँ से मामा जी भी हमारे साथ आएंगे, तो वो मामा जी को देखने जा रखे हैं कि मामा जी कहाँ पे पहुंचे होंगे। तो यहाँ पे अभी हमने गाड़ी खड़ी कर रखी है, तो यहाँ पे है नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क। तो यहाँ पार्क के सामने हमने गाड़ी खड़ी कर रखी है, तो देखते हैं। वैसे हम 8 बज रहे हैं अभी, और 8:15 हो रही है, 8:15 बजे हम पहुंच गए हैं श्रीनगर में, तो टाइम से पहुंच ही जाएंगे। तो अभी आते हैं लाडो के पापा, उसके बाद चलते हैं, मामा जी आ रहे हैं अभी, तो तब तक मैं यहाँ पे बैठी हूँ, देखते हैं कितना टाइम लगता है। Thank you.
माँ धारी देवी का मंदिर। और यह है अभी सुबह का सुंदर सा नज़ारा, देख सकते हैं आप। और श्रीनगर से थोड़ा सा आगे कल्यासोड़ में ये माँ काली का मंदिर है, धारी देवी का। और माँ धारी देवी के यहाँ पे तीन रूपों में पूजा की जाती है, सुबह के टाइम में बालिका के रूप में, और दिन के टाइम में युवती के रूप में, और शाम के टाइम में वृद्ध महिला के रूप में माँ धारी देवी की पूजा की जाती है। और यहाँ पे आजकल राफ्टिंग भी चल रही है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे लोग राफ्टिंग भी कर रहे हैं, तो काफ़ी सुंदर सा नज़ारा है। और ये है पास धारी गाँव दोस्तों। तो अभी यहाँ पे अच्छी सी धूप खिली हुई थी, तो हम एक सुंदर सी लोकेशन पे रुके हुए हैं, और यहाँ से हमने दर्शन किए माँ धारी देवी के। देख सकते हैं आप, यहाँ पे माँ धारी देवी का भव्य मंदिर आपको देखने को मिल रहा है। और माँ धारी देवी का आशीर्वाद सभी पे सदैव बना रहे, सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, मैं माँ धारी से यही प्रार्थना करती हूँ। और अभी है मॉर्निंग का टाइम, तो मॉर्निंग के 9 बज गए हैं, और अभी हम पहुँचे एक सुंदर सी लोकेशन पर। यहाँ पे मामा जी और लाडू के पापा भी हैं, और अब जा रहे हैं हम अपने सफ़र में आगे। दोस्तों तो आज के सफ़र में आगे बढ़ने के बाद हम पहुँचे हैं अभी यहाँ श्रीनगर से आगे खांकरा में, एक जगह पड़ती है खांकरा, तो हम खांकरा में रुके हुए हैं। और क्योंकि भूख भी लग गई है, हमने सोचा कि उन्हें थोड़ा यहाँ पे नाश्ता वगैरह कर लें, तो नाश्ता करने के बाद फिर निकलेंगे। तो अभी अच्छी सी धूप भी खिली हुई है और मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है, तो यहाँ से भी आपको आसपास का सुंदर सा व्यू नज़र आ रहा होगा, देख सकते हैं आप। और ये है, अभी हम खांकरा में हैं, और ये है आसपास का सुंदर सा व्यू। नीचे आपको अलकनंदा नदी दिख रही होगी, और यहाँ पे एक डॉगी भी है जो काफ़ी ख़तरनाक लग रहा मुझे, तो निकलते हैं फटाफट से। हमने गाड़ी भी यहाँ पे पार्क कर रखी है। भारी हो गया ना। आप पहले टेस्टी टेस्टी नाश्ते का आनंद लेते हैं। ये चल रहा है रेलवे का कार्य अभी प्रगति पर है। ये है रुद्रप्रयाग का थाना और ये पोस्ट ऑफिस। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं रुद्रप्रयाग मार्केट में, और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मुझे यहाँ आना हो रहा है, तो अच्छा भी लग रहा है। और आज अच्छी सी धूप खिली हुई है, मौसम ठीक है। मैं तो सोच रही थी क्या पता शादी का टाइम चल रहा है कहीं बारिश वगैरह होगी, लेकिन नहीं, मौसम काफ़ी अच्छा है। काश कि हमारी केदार घाटी में भी ऐसे ही हो। तो ये है रुद्रप्रयाग का मार्केट, जो हमारा मेन मार्केट हुआ करता है, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है। यह हमारा डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग। मार्केट में काफी चहल पहल देखने को मिल रही है। यह है रुद्रप्रयाग का फेमस पीपल का पेड़, जिसकी कुछ टाइम पहले वीडियो भी वायरल हुई थी, जब यहाँ पे मंदिर को हटाने की कोशिश की जा रही थी। जय महाराज। दोस्तों तो ये है रुद्रप्रयाग का संगम स्थल, यहाँ नीचे। अभी अच्छे से नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि हमें लेट हो रहा है। तो ये है रुद्रप्रयाग, यहाँ पे होता है अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम स्थल, संगम होता है यहाँ पे। यहाँ अंदर है रुद्रनाथ जी का प्राचीन मंदिर, मैंने देखा तो नहीं है लेकिन। और यह है टर्नल, एक छोटी सी रुद्रप्रयाग की। यह है अगस्त्यमुनि मार्केट। अगस्त्यमुनि में पहुंच गए हैं हम। अगस्त्यमुनि में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे अच्छे अच्छे कॉलेजेस और स्कूल वगैरह खुले हुए हैं। हमारे क्षेत्र का
सबसे टॉप जो कॉलेज है वो यही है। तो ये है विजयनगर, यहाँ आपको हर प्रकार की सामग्री मिल जाएगी, शादी विवाह से रिलेटेड हो या घर से, हर प्रकार का सामान उपलब्ध रहता है और वो भी अच्छे दामों पे। जो शॉपिंग आप दिल्ली, देहरादून, श्रीनगर जाके कर सकते हो वो आप यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ भी आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रकार के प्रोडक्ट मिलेंगे हर प्रकार के। दोस्तों तो ये है हमारे अगस्त मुनि का महाविद्यालय जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया है, और ये हमारा कॉलेज। और अब यहाँ काफ़ी चेंज हो गया है, मतलब क्योंकि यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल भी खुल गया है, विवेकानंद छात्रावास भी खुल गया है यहाँ पे, तो उस वजह से यहाँ बहुत चेंज हो गया है हमारा कॉलेज, माँ शारदा देवी गर्ल्स हॉस्टल। तो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद पीजी कॉलेज, तो यहाँ पे काफ़ी मतलब हॉस्टल वगैरह भी खुल गया है, गर्ल्स कॉलेज भी खुल गया है, और पहले से यहाँ पे महाविद्यालय था ही, तो काफ़ी चेंज हो गया है कॉलेज। तो अच्छा लगता है कि धीरे धीरे हमारे कॉलेज का विकास हो रहा है। हमारे टाइम पे भी बहुत अच्छा था, लेकिन अब और भी सुविधाएं हो गई हैं। यह है जवाहर नगर, यह है गंगानगर। यह है गंगानगर की सुंदर सी लोकेशन। दोस्तों तो अभी हम पहुंच गए हैं गुप्तकाशी से नीचे यानी कि सेमी में, और रोड का ना बुरा हाल हो रखा है। इस तरीके से चारधाम यात्रा की तैयारियां शुरू हो रही हैं, यात्रा के लिए रोड बनने अब स्टार्ट हो रही है। अब एक डेढ़ महीने में पता नहीं क्या ही करेंगे, 6 महीने में कुछ नहीं हुआ, तब एक डेढ़ महीने में होता है। तो इस तरह से हो रखी है रोड, कुछ अगर कभी बन के तैयार हो गई तो इतनी ऊँचाई पर जाएगी, अब पता नहीं कब तक बनेगी। रोड की सेमियाँ बना रहे सेमी वालों ने, ऊंची ऊंची पहाड़ियों में कितना सुंदर बर्फ गिर रखी है, बहुत सुंदर नजारा आ रहा है अभी ये। दोस्तों तो ये है चौखंबा पर्वत की पहाड़ी, और जो ये यहाँ पे बर्फ़ गिरी हुई है ना वो बहुत सुंदर लग रही है, चौखंबा पर्वत की जो सुंदरता है उसको दर्शाता है ये, ऐसा चांदी जैसी चमक आ रही है इसमें। तो अभी हम गुप्तकाशी पहुँचने वाले ही थे, क्योंकि तब तक बीच में ना आजकल रोड सड़क का काम चल रहा है, तो उस वजह से कोई ट्रक बीच में फंसा हुआ है, तो बहुत लंबा जाम लगा हुआ है। हमें यहाँ पे 1.5 घंटे कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन अभी तक जाम खुलने का कोई भरोसा नहीं है कि कब तक खुलेगा, और सबके सब बाहर खड़े हो रखे हैं। मैंने कहा बाहर बहुत धूप भी लग रही है, तो मैं गाड़ी के अंदर ही हूँ। बहुत ख़तरनाक वाला जाम लगा हुआ है, देखते हैं क्या क्या हो पाता है, तब तक ये जाम खुलता है। परेशान हो गए हम, पूरे रास्ते हम अच्छे से आए, और ठीक कहते हैं ना मंजिल जब करीब होती है तो तब बहुत सारी परेशानियां जीवन में आ जाती है, तो ऐसा ही कुछ है। हम भी पहुंच नहीं वाले थे कि तब तक यहाँ ठीक गुप्तकाशी के नीचे हमें जाम मिल गया, वो भी 1.5 घंटे कंप्लीट हो गए हैं। अब देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं 1.5 घंटे के जाम के बाद अपने मार्केट गुप्तकाशी में। तो ये है हमारा गुप्तकाशी मार्केट, जो केदार घाटी का मुख्य मार्केट है, और यहाँ से केदारनाथ की दूरी है 47 किलोमीटर और गौरीकुंड 33। गुप्तकाशी मार्केट में काफ़ी चहल पहल देखने को मिल रही है।
मामा जी हम भी खोल दोस्तों, तो पहुंच गए हैं हम फाइनली केदार घाटी के खूबसूरत से गांव मैखंडा में, जहाँ पे है मेरी दादी का मायका। तो यहाँ पे मेरी बुड्ढी का श्राद्ध है, तो उस वजह से आ रखे हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप सीधे आपको बाद में ही मिलेंगे, अब जाते हैं पहले घर पे। अभी हम पहले रास्ते लगे हुए हैं। तो सही बात रे राम, आते ही बुनमी तो है दोस्तों। तो अभी है हम एक केदार घाटी के खूबसूरत से गांव मैखंडा में, और अभी हम छत पे आ रखे हैं और अच्छी सी धूप खिली हुई है। हमारा खाना पीना भी हो गया है, सारे मेहमान लोग कुछ जा चुके हैं, कुछ नीचे बैठे हुए हैं। मैं ब्लॉग में नहीं दिखा पाई क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम नहीं दिखा सकते हैं। तो अभी हम छत पे हैं, अच्छी सी धूप है और धूप का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पे मामा जी हैं और लाडो के पापा जी हैं। तो ये है आसपास का व्यू, देख सकते हैं ना, मतलब गांव के खूबसूरत से नज़ारों का आनंद आप भी लीजिए। और सामने है एक बुरांस का पेड़, जिसपे बुरांस का पेड़ बहुत छोटा है लेकिन उसमें बहुत सारे बुरांस खिले हुए हैं, तो उसको मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी। और यहाँ से जूम करके दिखा पाऊंगी तो दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो पहले मैं आपको आसपास के सुंदर से नज़ारे दिखाती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको जरूर पसंद आएंगे दोस्तों। तो ये है आसपास का व्यू, देख सकते हैं आप। और इस पहाड़ी पे बहुत सारे चीड़ के पेड़ आपको नज़र आ रहे होंगे। मामा जी की कॉल पे बिजी हैं, डिस्टर्ब नहीं करूँगी। और पास में है एक बुरांस का छोटा सा पेड़, उसमें बहुत सारी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में बुरांस लगे हुए हैं। अब है यार मेज पर रहे वाह।
अभी बुआ औरों की जाने की तैयारी हो गई है, अब बस ज्यादा नहीं बोलो ये मेरे मार खाएगी। वीडियो खाली वीडियो तो सुनते बोले मेरे दादी, मैं बोल चुम ये दादी दादी तू चबु बार मर सुचड़ी रे रहा वही पर्स बनाते थे। हाँ। तो मैं कह से तुम भी दिन मिलना मैं पूछ तो थे से। हाँ। कि मैं गुली ना जान भी चाहिए। हाँ, तीन पाँच छाने चुम लो तो दिन तैयार मेरा। हाँ दोस्तों, तो शाम भी ढल गई है और अब हो रही है मेरी यहाँ से जाने की तैयारी। अब जा रही हूँ मैं अपने मायके जहाँ मेरा मायका है, यहाँ तो मेरी दादी के मायके में आई थी। तो आज का ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आज का ब्लॉग मैं यहीं तक रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।